गुरुग्राम के देवीलाल नगर में छठ मैया की पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज सुबह छठ मैया की पूजा की शुरुआत की गई। पूरे प्रदेश भर में रह रहे लाखों लोग आज छठ मैया की पूजा करेंगे और ढलते हुए सूरज को अर्घ देंगे। ये व्रत काफी कठिन होता है, लेकिन श्रद्धा और आस्था से ये व्रत रखा जाता है और लोग छठ मैया से अपनी मनोकामना मांगते हैं और दिल से छठ मैया की पूजा करते हैं। एवं नाम और डेजिग्नेशन बता दो। मैं संजय सिंह, अध्यक्ष पूर्वांचल एकता मंच। संजय जी, देवीलाल नगर में यहाँ पर हजारों पूर्वांचल लोग रहते हैं और छठ पूजा है कल, तो किस तरह की तैयारियाँ इस बार की जा रही हैं? सबसे पहले तो हरियाणा में और NCR में रह रहे सभी पूर्वांचल वासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। और मैं तो इस बार देवीलाल कॉलोनी में अभी खड़ा हूँ और यहाँ कम से कम 20,000 से 25,000 लोग व्रत करने के लिए आएंगे और तैयारियाँ पूरी जबरदस्त तैयारियाँ हो चुकी है और तैयारियाँ अंतिम रूप में है। कल आप देख रहे हो घाट वगैरह सब बना दिया गया है। माँ बहनों के लिए नगर निगम की तरफ से हमारे वो सुलभ शौचालय आया हुआ है और यहाँ पे पूरे प्रशासन की तरफ से व्यवस्था किया गया है। इस बार कौन कौन मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे? वैसे तो हम राव नरवीर जी माननीय मंत्री जी आएंगे और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में जब से ये हम लोग छठ व्रत कर रहे हैं, इतना बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं हुआ था। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूर्वांचल समाज की तरफ से आज चंडीगढ़ से मिल के आया हूँ, उनको धन्यवाद दे के आया हूँ कि आपने जो कुछ हमारे समाज के लिए किया है, समाज आपका सदैव आभारी रहेगा।